अभी आपने देखा कि दो बहनें एक दिन आई लगातार, एक दिन, एक को एक दिन पहले आई, 17 साल बाद बच्चा हुआ, एक को 8 साल बाद बच्चा हुआ। बहन जी को कितने साल बाद हुआ? 5 साल बाद। तुम्हारे सामने बताया ना उन्होंने, ये बच्चे जो हैं ये चमत्कार नहीं है, ठीक है, दैवीय कृपा जरूर है। कृपा कैसे है मैं तुम्हें बता देता हूँ। लोग सोचते हैं चमत्कार होते हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज़ दुनिया पे है ही नहीं। चमत्कार तो भगवान का स्वरूप आएगा तभी चमत्कार होते हैं, तब वो कुछ भी कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण की उंगली पे चक्र आ गया और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी, आए ना समझ में। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, ये होते हैं चमत्कार, ठीक है। कि अपना तो वजन उतना है नहीं जितना उठा लिया, वैसे तो भगवान के वजन को कौन नाप सकता है, एक बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिस शरीर को लेके चल रहे हैं उस शरीर का इतना वजन है नहीं जितनी बड़ी महिमा ली जाए। जो बिल्कुल बाल थे, जब ऐसे थे, जब पैर मारा छकड़ा जो है आकाश में उड़ गया, ठीक है, पूतना को क्या कहते हैं, उसके स्तन से ही अंदर से पी गए, चूस गए उसको, पूरी को खत्म हो गई, प्राण छटपटा गए उसके, हाँ ना समझ में, पूतना को मार दिया। तब पता चला, पहले तो वो सुंदर रूप लग के आई, तब पता चला ये तो मर गई, इतनी बड़ी राक्षसी मर गई। तो लेकिन जो चमत्कार होते हैं, जो आज चमत्कार हम कर रहे हैं, वे कोई चमत्कार नहीं है। बहन जी को 5 साल बाद हुआ, ये सब प्रेत की देन है। किसकी देन है? प्रेत की देन। हमें इस प्रेत नामक तत्व को निकालना पड़ेगा। मनु भैया ने कोई बच्चा किसी को नहीं दिया, ये बात समझ लो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता ऐसा जो सृष्टि के खिलाफ हो, किसी भी नियम के खिलाफ हो, विज्ञान के खिलाफ हो, ठीक है, भगवान के खिलाफ हो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। देखो मेरे माथे पे अभी पसीना है, मैं मेहनत करके आया हूँ, जब मैं थक गया तो मैं बैठ गया, ठीक है, जब मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया, ठीक है। मैं सारे काम प्रकृति के नियम के अधीन करता हूँ, उसके विपरीत नहीं करता। ऐसे आया समझ में, विपरीत तो मैं अपने शरीर को जैसा संभालूं वैसा संभलेगा, विपरीत तो बस ये है। इसका मतलब सबके घरों में प्रेत घुसे हुए हैं। जब प्रेत निकलते हैं तब आपको सुफल मिलता है, जब तक वो प्रेत धंसा रहता है तब तक आपके घर में ना तो पैसा ठहरता है, ठीक है, आपके घर में सभी प्रकार के बंधन लग जाते हैं, कोई भी चीज़ आपकी सुफल होती नहीं है, आपके वंश की गति रुक जाती है, या वंश हो तो बीमार होने लग जाता है। आया ना समझ में, क्या होने लग जाता है? बीमार होने लग जाता है। अब आपको इन सब बातों से जान लेना चाहिए कि चमत्कार कोई नहीं होता है। अब ये चमत्कार है, एक चमत्कार ये है क्योंकि हम प्रेत मानते नहीं, और जब प्रेत की चीज निकल गई, प्रेत नाम की तत्व निकल गया, और जब आपको आराम पड़ गया, चमत्कार मान लो उसको, लेकिन चमत्कार नहीं मानना, भगवान से जुड़ना है। हमें ये मानना है कि हमें नीड तो है भगवान की, जरूरत तो है भगवान की, भगवान ही हमें पूर्ति करेंगे, भगवान का नाम ही हमारे लिए साफल्य का प्राप्त कराने वाला है। क्यों? क्योंकि सभी आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा सब प्रेत से घिर जाएंगे, मानेगा कोई नहीं, और प्रेत सबके अंदर घुसता चला जाएगा। क्रिश्चियन उसको घुसने नहीं देंगे, उन्होंने तो अपने भगवान के नाम को अमर बना दिया, उसके नाम से ये जलने लगे हैं, और जब चलने लगे तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने लगे हैं, और जब लाभ मिलने लगे तुम्हें तो वो अपने आप, तो वो क्या कहते हैं, उत्साह में जा रहे हैं, ध्यान धारणा और साधना कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, और उनकी बातें बता रहे हैं बारीकी से, आपको पता नहीं है शायद, जो काम यहाँ भारत में होता था वो काम कहाँ होने लग गया, अंग्रेजों के यहाँ होने लगे, इसलिए वो चमत्कारी हो गए और हम लुटते फिर गए, हमें पता ही नहीं चला, हमारे भगवान का नाम तो इतना कीमती था हमने छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ठीक है, नारायण, ओम नमो नारायणाय नमः, तो पहले आ गया, आगे ना समझो। तो हम तो भगवान का नाम लेने से भी चूक रहे हैं, और वो भगवान का नाम निरंतर ले रहे हैं एक रूप में, वो हमें परोस रहे हैं। चमत्कार चमत्कार है नहीं, जिसको वो शैतान बोल रहे हैं वो है प्रेत, वो निकल रहा है चमत्कार अपने आप हो रहा है। देखो कितने केस मैंने दिखा दिए, वो घुटनों में बैठता है, कितने केस मैंने दर्दों के दिखा दिए, कितने केस मैंने दिखा दिए। आप तो पढ़े लिखे होने के नाते डॉक्टर से इलाज कराते हो, लेकिन पता है नहीं, डॉक्टर की तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, और फिर भी डॉक्टर दवाई दिए चला जाता है, उस दवाई का विपरीत असर पड़ता है, और उससे हमारा शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है। अब उस बहन जी की नाभि के नीचे कभी प्रेत बैठा होगा, दर्द रहता होगा इसको, ये आई ठीक हो गई, बच्चा हो गया, ठीक है ना। वो जब तक पिंड को पल्ले नहीं देता प्रेत, जब तक उसकी चलती है, आए ना समझ में, तब तक वो आपके घर में खुशियां नहीं आने देना चाहता, वो चाहता ही नहीं आपके घर में कोई भी खुशी किसी भी प्रकार की हो। क्यों? क्योंकि उसके तो उसकी तो 5-6 चीज ऐसी पक्की है, कामी वो है, क्रोधी वो है, लोभी वो है, मोही वो है, ठीक है, मत्सर उसमें भरा हुआ है, अभिमान इतना भरा हुआ है, कुछ नहीं,
अहंकार में वो परिपोषित हो रहा है, अहंकार का पोषण कर रहा है वो हमेशा। ठीक है ना, पति पत्नी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दो दो शादियाँ हो रही हैं आपकी बच्चियों की, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप अपनी परिपाटी से अपनी परंपरा से दूर चले गए हो। हैं, एक बच्ची की दो शादी हो रही है, शादी क्यों हो रही भाई, दो समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की को ही नहीं पता मैं कम में के अपनी सास से लड़ ली, कम में के अपने पति से लड़ ली, कम में के अपने ससुर से लड़ ली। ठीक है, मैंने इतनी अंधी चला दी। जब उसकी हाजिरी खत्म होती है प्रेत की, तो उसको समझ में आता है कुछ हो गया, तब पता चलता है तो लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी गई कुछ हद नहीं कि अब कुछ बात बनने वाली, बिगड़ने बिगड़ने वाली। अरे इतना पोषण हमने कर लिया प्रेतों का शरीर में, क्यों कर लिया? अंग्रेजों ने हमें लीक से हटा दिया। किससे हटा दिया? भारत जैसा धार्मिक देश पूरे वर्ल्ड में तो कहीं नहीं है, इतनी पुस्तकें ही नहीं है कहीं धार्मिकता की, ऐसी खोज कि मन मन पे खाली, मन नामी तत्व पे, प्राण प्राण पे, इन पे कई कई लाख पुस्तकें लिखी हुई हैं, कई कई लाख आए ना समझ में। इतने पुराण, इतने उपनिषदों के होते हुए, भगवान कहते हैं ऋग्वेद के भी इतने 151 कितने उपनिषद हैं, सब वेदों के इतने उपनिषद हैं, कुछ हद नहीं। फिर उनकी व्याख्या हुई है, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्या हमारे समझ में नहीं आएगी। एक अग्नि पुराण है, आगे न वराह पुराण है, 18 पुराणों में से इतने वे निकले हुए हैं, 18 पुराण अलग है। ठीक है, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद, इतने अंग है। और फिर हमने जो खोज की अंतरतम में जाके, हमने जो अंतर में खोजा उसको भी हमने बखान के रख दिया। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म पुस्तकें हैं, ऐसी ऐसी भाषा में है, संस्कृत में है और छंदों में भी है, तो ऐसी भाषा में है। एक कबीर दास जी ने खिचड़ी भाषा में, जो कहीं की भाषा नहीं थी, जिसको आज कुछ भी नहीं मानते, ठीक है ना, ऐसी भाषा में इतना गूढ़ ज्ञान डेवलप कर दिया कि आप कबीर दास जी को पढ़ के ही आत्मज्ञानी हो सकते हैं। मैं कबीर दास जी को बुरा नहीं कहता, मैं उनको बुरा कहता हूँ जो कबीर दास को भगवान मानते हैं। जो पृथ्वी पे पैदा हुआ, अगर वो भगवान है तो फिर भगवान कृष्ण की तरह उसका जीवन दिखाओ मुझे, आए ना समझ में। जो विपरीत दिशा में काम करो, पता चले क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी नीचे उतर आए, शिव नीचे उतर आए, आगे ना समझ में, और शनिदेव महाराज नीचे उतर के आके कोकिला वन में चले गए, ऐसे दिखाए कि दरवाजे खुल गए, सारे ताले खुल गए, छोटे से ही तो हैं अभी, कोई करामात तो कर नहीं सकते, फिर भी सारे ताले खुल गए। ठीक है, माया देवी प्रकट हुई, अविद्या माता प्रकट हुई। ठीक है, कंस को कहेगी तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, और चक्रधारी हुए पृथ्वी पे, क्या हुए? भगवान विष्णु के अवतार ही तो थे, तो समझ में तो आ गया ना, चक्र लेके आए। तो इस तरह से जैसे भगवान राम जो है वो तारक ब्रह्म थे, पार ब्रह्म थे, ठीक है ना, तो भगवान राम की महिमा अलग गाई जाती है, आगे ना, वो सृष्टि का खेल चल रहा है वो तो तुम देख रहे हो, लेकिन वो अविद्या से माया से बंधे नहीं है ना, वो कदापि माया से कोई उन्हें बांध सका। आप कह रहे थे सुन रहा, देखो कैसे ध्यान से सुन रहा है ना, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मनु भैया जी हैं तो तो अब ये सब मुमकिन हो चला है। हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी टेक्निक को जानना पड़ेगा। आप नहीं चाहते आपका बच्चा इतना फेमस हो जैसे मनु भैया हुए, हो चाहते हो ना, फिर क्या पता भगवान की किस बच्चे पे कैसी निगाह फिर जाए, कौन मेरी तरह ऐसा ही काम करने लगे। आप ही सोचो, आपके दुख का आज अगर पारावार हो, आपका दुख अगर आज कट गया, तो आप सोचो कि आप ही मुझे कितनी दुआएं देते जाते हो, तो फिर वो दुआएं आपके बच्चे को भी तो चाहिए ही संसार में रहने के लिए। मेरे पास क्या कमी है? भक्तों के पास कोई कमी थोड़ा ही ना होती, भक्तों के पास जितनी मौज और आनंद होता है इतना किसी के पास होता नहीं है। ठीक है, अरे मेरी इच्छा है मैं एक रात में 50 करोड़ रुपए भी इकट्ठा कर सकता हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं जीरो बैलेंस पे काम कर रहा हूँ, आए ना समझ में। क्यों? क्योंकि हमें ना तो मोह लगता है, ना माया लगती है, ना क्रोध लगता है, ना अहंकार लगता है किसी चीज का। हम उसको संभाल सकते हैं, हम ऐसे भी रह सकते हैं, हमें जरूरत भी नहीं है किसी चीज की। हम ये भी जानते हैं कि ये माया जो है वो नश्वर है, ये रहनी नहीं है किसी के पास, सबने भर के जाना है, मिट्टी में मिल जाना है सबने। तो फिर मनु भैया ऐसा काम करें क्यों जो अधर्म का काम होवे, है ना, तो अधर्म का काम कदापि नहीं करना है, लेकिन तत्व को समझना है। ये प्रेत तत्व है जिसको हम निकालते हैं, इतने चमत्कार होते हैं दुनिया में, कहाँ हो रहे हैं बताओ आप, कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि जहां ये सब चल रहा है वहां बड़ी बड़ी स्टेज लग गई है और हजारों लाखों लोग सामने खड़े हैं, तो सबको ना तो वो हाथ लगा सकते, सबको ना वो छू सकते, सबको ना वो देख सकते। एक टाइम ऐसा आएगा, ये मेरे साथ भी होगा, तब आप लोग भाग्यवान है कि मैं आपका कान पकड़ के आपके कान में फूंक मार रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके शरीर को झाड़ रहा हूँ पकड़ के, आपके सर पे हाथ भी रख रहा हूँ और जाप भी कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह जाके देखते हैं आप, महात्माओं का दर्शन ही दुर्लभ है, वो दूर बैठ जाते हैं जबकि उन्होंने करना भी कुछ नहीं है, केवल आपको 4 उपयोगी बातें बतानी है, और वो उपयोगी बातें मैं दिन में पता नहीं कितनी बार बताता हूँ आपको, कि आपके जीवन के सारे मार्ग खुल जाए।
एक दीपदान से हमने दुनिया की सारी चीज बता दी। उसी दीपदान से आप आत्म दर्शन कर सकते हो, उसी दीपदान से भगवान के दर्शन कर सकते हो, उसी दीपदान से आप जो है अपनी दृष्टि खोल सकते हो, उसी दीपदान से आप अपना कल्याण कर सकते हो, उसी दीपदान से आप अपने सारे दर्द गायब कर सकते हो, उसी एक दीपदान से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो, कर सकते हो अपने सारे बंधु भैया की। दीपदान से आप धनादि की जो कमी आपके घर में, चले भाई पंखा चला दिया, कमी चल रही है उसको भी प्राप्त, शत्रु का मर्दन कर सकते हो। तो एक ही दीपदान आपके इतने काम करता है, इतना कल्याण करता है। हमें अपने कल्याण में निहित रहना है, हमें सारी बातों को गूढ़ता से गंभीरता से समझना है। क्या करना है? समझना गूढ़ता से। इसीलिए तो कहते हैं परम पूज्य मनु भैया जी हैं तो तो 5 साल बाद जो बच्चा हुआ वो प्रेत ने रोका हुआ था, 17 साल जो बाद बच्चा हुआ वो भी प्रेत ने रोका हुआ था, जो 8 साल बाद बच्चा हुआ वो भी प्रेत ने रोका हुआ था। अभी पूरा महीना नहीं गुजरा है, मुश्किल से 10 ही दिन गुजरे होंगे, 10 दिन पहले की उनकी वीडियो है। एक को 17 साल बाद हुआ, एक को 8 साल बाद और एक को 5 साल। ये बच्चे मैं नहीं दे रहा हूँ, ये प्रेत हट रहे हैं तो बच्चे मिल रहे हैं, ये भगवान भी नहीं दे रहा है, इनके तो भगवान ने लिख रखे हैं होंगे, हाँ ना समझ में। लेकिन तुम्हें अब ये चमत्कार लग रहा है, ये मेरा बार बार एहसान मान रहे हैं, एहसान मानने की जरूरत नहीं है, तो भगवान का काम है, भगवान की देन। इसलिए प्रेत को जानो, उस तत्व को जानो जो आपके घर में घुस गया, उसको निकालो, उसको मानो कि हाँ ये सत्य है, लेकिन हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसने हमारे सबके ऊपर कब्जा और इतनी गूढ़ता से कर लिया। उसको पकते हुए 20 साल हो गए, 20 साल पहले ये कमीने अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज कमीने ही होता है ना, पसीना कभी निकलता नहीं है, कभी ना रह जाता है, ठीक है कि नहीं, पसीना निकालता नहीं धीरे से। अब सर्दी के मौसम में रहते हैं, इतनी ठंड के मौसम में रहते हैं, तभी तो गोरे होते हैं, गोरे चिट्टे। अब उन्होंने हमारी शिक्षा कब जाई, सबसे पहले सारे स्कूल तो भारत में सेंट स्टीफन, सेंट मैरी, सेंट ये, सेंट वो, सेंट पोप, सेंट पोल, अब उसकी सवेरे सवेरे जो वो चलती है प्रार्थना, वो दूसरी प्रेयर चलती है। अरे प्रार्थनाएं हमारी देखो ना कितनी असीम है, भगवान के स्वरूप को हमने कितनी बार निहार रहे हैं, एक भगवान शंकर की अलग अलग भक्तों ने, पूरे विश्व के भक्तों ने इतनी सारी प्रार्थनाएं की हैं, ऐसे ऐसे स्वरूप की प्रार्थनाएं की हैं, ऐसे ऐसे शब्द लगाकर, ऐसे ऐसे उत्थान शब्द लगाकर, कुछ भाषा का वो प्रयोग जो हृदय से निकलता है, हृदय गुहा से निकलता है, उस प्रयोग को हमने किया है। और भगवान की अटूट जो संपत्ति है उसकी हमने प्राप्ति की, अटूट संपत्ति भगवान की क्या है, अपने आप को पा जाना, आत्मदर्शन करना, वो हमने प्राप्त किया। हमें छल नहीं आता भारत के लोगों को, लेकिन हमारे साथ छल हुआ है। हमारे साथ क्या छल हुआ, ये कह दिया भूत प्रेत होता नहीं है, इन नंगों को ये पूछे भाई भूत तो भगवान आदमी के शरीर को ही कह रहे हैं, और इसी के लिए वो भूतेश है, भूत भावन है और भूतेश्वर है, ठीक है, फिर भी इन्होंने ऐसी धारणा अपना लिया कि भूत तो होते नहीं। अरे मूर्खो तुम भूत नहीं होता, जानवर हो, पूछो। अरे हम सब भूत हैं, भगवान कहते हैं सब भूतों के हृदय में मैं भूतेश्वर हूँ, और सब भूतों के हृदय में मैं ही रहता हूँ अर्जुन, सब भूत मेरे ही हैं, मेरा ही अंश है, मेरे ही अंशी है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। हम कह रहे हैं भूत नहीं होते, अरे कमीनो तो भूत कौन होता है, तुम तो फिर जानवर हो, हम भूत हैं, मनु भैया भूत है, बोलो और बोलो, मनु भैया भूत है, बोलो मनु भैया के पास आने वाले सारे भूत हैं, और बोलो प्रेत नहीं होते, ये कहते भी अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रेत नहीं होते, अगर प्रेत ना होते तो मनु भैया इतने लोगों को ठीक कर पाते, अरे प्रेत ही तो निकालते हैं मनु भैया है, इसीलिए तो कहते हैं मनु भैया जी हैं तो मुमकिन है, प्रेत निकालने का ही काम है, ये रम गया है, ये दब गया है, ये शरीर में रह गया लंबे समय, इसको निकालो, इसको मार फेंको, कितना भी समय लगे लगा लो अब, क्योंकि फिर हमें समय नहीं देने वाला ये, क्योंकि अगर आज ये कामयाब हो गया तो हमारी पौधे गई कई, हमारे वंश डूब गए, हमारी गति रुक गई, आज इसने हमें रोक दिया है, ये देखो आज ही कैसे रोक दिया, कितना पैसा हम उस पर लगाने लगे, किस पे लगाने लगे, डॉक्टरों पे लगाने लगे, चिकित्सा, अब शिक्षा के बाद आई चिकित्सा, डॉक्टर कहता है माइग्रेन है, डिप्रेशन है और सर्वाइकल है, ये 3 बीमारियां बिल्कुल झूठी साबित कर दी मनु भैया ने, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बीच में बैठ के साबित कर दी, तुम्हें जितने डॉक्टरों ने माइग्रेन बताया तुम्हें माइग्रेन नहीं पाया, तुम्हें जितने डॉक्टरों ने वो बताया डिप्रेशन तुम्हें डिप्रेशन नहीं पाया, और मनु भैया के यहाँ के तुम ठीक हो गए। आज भी एक बहन जी बताया गई है मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया, मैं कोई गोली नहीं ले रही, तब भी
तब तो शर्मा जाएंगे डॉक्टर, तब भी नहीं शर्मा आ गया ना समझ। क्यों? क्योंकि बीमारियां हैं प्रेत से और प्रेत ये निकाल नहीं पाते। प्रेत जो है उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तत्व है वो शरीर के अंदर धंसा हुआ, वो किसी उसमें नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? किसी टेस्ट में नहीं आएगा नहीं। और हम यूं ही भटकते रहेंगे, यूं ही मारे जाएंगे, यूं ही पैसे देते रहेंगे डॉक्टरों को। अरे भाई, और ये तो सोचो, अगर आप ठीक कर रहे हो, कुछ नहीं आ रहा रिपोर्ट में, तब भी आप दवाई दे रहे हो, हमें क्यों दे रहे हो भाई, जबकि उसका विपरीत असर पड़ रहा है शरीर पे भी, सब चीजों पे। बोलो जय शनि, गुरु जी बने भैया की। बोलो शनिदेव महाराज की।